देखिए, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म आप फैमिलियर हैं, एक टर्म से फैमिलियर होंगे आप, जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ओमिक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी या ओमिक रजिस्टर का रजिस्टिविटी। और आपने पढ़ा होगा रो इक्वल्स, क्या आता है फॉर्मूला, याद है आपको, रो इक्वल्स एम मीन्स मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मैं बोल रहा हूँ, इंटू टाउ। टाउ मीन्स क्या होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एवरेज टाइम। आप ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप एक फार्मूला से फैमिलियर हैं, रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। इसका क्या मतलब होता है पहले समझिए। देखिए, अगर रेजिस्टिविटी हाई हुई तो करंट इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रन नहीं करेगा, ओके। तो अगर मास ज़्यादा हुआ, सपोज़ कीजिए कि अगर हाइपोथेटिकली अगर इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा हो, यहाँ चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ के जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन मान लीजिए अगर मास कुछ और हो जाए, तो मास अगर ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएगा, ये वो चार्ज्ड पार्टिकल स्लोली रन करेंगे, जिससे करेंट क्या होगा, डाउन हो जाएगा, मूवमेंट क्या होगा, ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल का। सेकंड, अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई हुआ, कॉमन सेंस है, अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई हुआ एन, तो एन हाई होने से क्या होगा, डिनोमिनेटर साइड एन अगर हाई होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, कितना फार्मूला मैंने बताया था, रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर इंटू टाओ। अगर एन हाई हुआ तो रेजिस्टिविटी लो होगा, रेजिस्टिविटी लो मीन्स अपोजिशन लो, ऑब्स्टिकल्स लो, इससे करंट बहुत ही प्योरिटी में ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होंगे। फिर ई स्क्वायर आया, कॉमन सेंस लगाइए, अगर चार्ज, सपोज कीजिए हाइपोथेटिकल मैंने क्वेश्चन पूछा है, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज या मूविंग चार्ज इलेक्ट्रॉन ना होकर कुछ और हो, अगर ई ज़्यादा हो तो ई 1/e² क्या होगा, कम, रेजिस्टिविटी क्या होगा, ई ज़्यादा होने से रेजिस्टिविटी क्या होगा, लो, मीन्स बहुत ही ज़्यादा चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा, स्पीडी होगा चार्ज पार्टिकल, ड्रिफ्ट ज़्यादा होगा। एक और बात आता है टाओ, आप ही कॉमन सेंस लगाइए, टाओ मीन्स टाइम बिटवीन, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, ओके। तो अगर टाओ लो हुआ, मतलब फ्रॉम वन आयंस टू अदर आयन में जो कोलिजन में जो लगा टाइम है उसको टाओ बोलते हैं, अगर टाओ लो हुआ तो आप कॉमन सेंस लगाइए, रेजिस्टिविटी क्या होगा, हाई, रेजिस्टिविटी हाई, तो कॉमन सेंस लगाइए। अगर टाओ ज़्यादा हुआ, ज़्यादा टाओ का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन बहुत लंबी दूरी तय करेगा बिफोर कोलिजन टू अनदर आयन, ओके, तो वो लंबी दूरी तय करेगा, तो लंबी दूरी तय करने से उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, ग्रो करेगा, जिससे क्या होगा, करेंट हाई होगा। तो ऐसे सोचिए, कॉन्सेप्चुअली हल्का बना दीजिए फिजिक्स को। एक और बात मैं कहना चाहूँगा आपको, ये फार्मूला कहाँ से आता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वायर में, वो हेयर एंड देयर रैंडम मोशंस करते हैं, ओके, तो जब आप फील्ड लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, एनर्जी सोर्स लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम स्पीड होता है 10⁶ m/s या 1.6 × 10⁶ m/s फॉर कॉपर वायर, मैं लूजली बोल रहा हूँ आपको, वो फील्ड लगाने से, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हेयर एंड देयर भाग रहे हैं वो हल्का सा ड्रिफ्ट हो जाएंगे अपोजिट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे जो हल्का सा ड्रिफ्ट होगा उस वो करंट को जनरेट कर देगा। तो ये तो आप ध्यान रखिएगा, अगर टाउ ज़्यादा हुआ तो भाई साहब आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर टाउ ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टिविटी पुअर होगी, अच्छा होगा कंडक्टर, क्योंकि टाउ ज़्यादा होने से उसको ज़्यादा टाइम आप दे रहे हैं तो उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, ओके।